नमस्कार दोस्तों, डायरेक्शन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। अगस्त के महीने का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त के महीने में शुरू हुआ था और भारत को आज़ादी भी 15 अगस्त के दिन ही मिली थी। दोस्तों, 15 अगस्त तक हम आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्रता संग्राम की वीडियो देते रहेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगले आने वाले सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? जी हाँ, इस प्रश्न से बनने वाले सारे क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1985, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। आइए और देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। इसकी स्थापना ए ओ ह्यूम ने की थी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इस समय भारत के वायसराय कौन थे? वो थे लॉर्ड डफरिन। स्थान अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इतने प्रश्न आपको जरूर पता होने चाहिए। तो आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला कानून। जी हाँ, रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस एक्ट के अनुसार किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर बंदी बनाया जा सकता था। इसी अधिनियम के विरोध में जलियांवाला बाग में लोगों ने धरना दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट कब बना था? तो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिल गई। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन कौन सा था? तो गांधी जी का भारत में जो प्रथम आंदोलन था वह था चंपारण आंदोलन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गांधी जी ने 1917 में चंपारण में नील की खेती के विरोध में आंदोलन किया था। यह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। आइए ऑप्शन के सारे देख लेते हैं। तो पहला था चंपारण आंदोलन, यह हुआ था 1917 में। दूसरा है खेड़ा आंदोलन, यह हुआ था 1917-18 में। यहाँ पर कर के विरोध में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था। तीसरा है असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिल गई। आइए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी। महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। अब गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी? तो चंपारण के जो किसान थे उन्होंने गांधी जी को बापू की उपाधि दी थी। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी महात्मा गांधी को? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिल गई। आइए बढ़ते हैं अपने पाँचवें प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। पांचवा हमारा प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1919। अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्यपाल किचलू और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक ने एक अनशन किया था, जिसलिए अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गिरफ्तारी के विरोध में कुछ लोगों ने जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण अनशन किया, और वहीं पर जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे लोगों पर माइकल ओ डायर ने गोली चलवा दी, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया, जिससे हजारों लोग की जान गई। वहां की दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिल गई आपको। हमारा छठा प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1905। दोस्तों, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। इस समय भारत के जो लॉर्ड थे, वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन थे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। 1942 में
भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये प्रश्न आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। दोस्तों कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आज़ाद हिंद सरकार एक संस्था थी जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, लेकिन आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में की थी। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा नौवां प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरत अधिवेशन। जी हाँ, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दसवां प्रश्न है वो है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये हैं दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसका नाम परीक्षाओं में काफ़ी पूछा जाता है। तो दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता के मैंने आपको आज 10 प्रश्न दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हम अगले वीडियो में भी आपको भारत के सभी आंदोलनों के सही से क्रम में सन के साथ आपको वीडियो देंगे, तो इसलिए हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।